नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा सफ़र होने वाला है 19418 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में। और ये ट्रेन अहमदाबाद से रात को 11:35 पर खुलती है और अगले दिन दोपहर में 2:15 अपने को मुंबई सेंट्रल पहुंचाती है। और अगर इस ट्रेन की कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ में चलती है और इस ट्रेन में 8 लोकल डब्बे और 5 स्लीपर डब्बे लगाए गए हैं, जिसका फेयर है 280 रुपये एंड टू एंड जर्नी। और अभी ट्रेन खुलने के बाद मैं सिर्फ सीधा कल सुबह ब्लॉग चालू करूँगा, क्योंकि रात में इतना कुछ दिखाने को होता नहीं है और बाहर के भी शॉट इतने कुछ अच्छे आते नहीं हैं और लाइटिंग के कारण थोड़ी मोबाइल के कैमरा क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए सीधे कल सुबह ब्लॉग करेंगे। अभी ट्रेन का डिपार्चर वगैरह बताऊंगा, उसके बाद सीधा कल सुबह ब्लॉग करेंगे। एक और नया खबर, डेट ऑफ जर्नी 7 दिसंबर 2023। और अभी हूँ मैं अहमदाबाद में और अपनी आज अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल की ओर नई जर्नी चालू होने वाली है, जो कि होने वाली है 19418 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में। और ये काफ़ी स्लो ट्रेन है, क्योंकि ये ट्रेन 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन 14 hours 15 minutes। तो आज अपनी ये वाली सीट होने वाली है 71 RAC सीट है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है क्योंकि अपने को ये सीट एक और पर्सन के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। और ये कुछ कंडीशन है इस ट्रेन की, तो अपनी ट्रेन डिपार्ट कर गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे ऑन टाइम। और अब ये व्लॉग यहाँ पे बंद हो रहा है और ये अब सीधा कल सुबह स्टार्ट होगा, क्योंकि रात में व्यूज़ अच्छे आते नहीं हैं, इसलिए कल सुबह सीधा अपने इस व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। चलो बाय। स्टेशन कोड BL और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 127 ट्रेनें यहाँ पे रोजाना हॉल्ट करती है और 16 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 16 ट्रेनें यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। और इस ट्रेन की बात करें तो ये बहुत स्लो ट्रेन है, ये बाकी ट्रेनें रास्ते को कवर करने में 8 घंटे लगाती है और तीन रास्ते को कवर करने में 14 से 15 घंटे लगाती है, सीधा डबल टाइम दे रही है, काफ़ी स्लो टाइम ट्रेन है। और जो और भी ट्रेन पर टिकट मिला भी उसके लिए आप Thank you.
322 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं वापी और स्टेशन कोड VAPI और यहाँ पे रोजाना 218 ट्रेन हॉल्ट होती है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती है। जोन लगता है वेस्टर्न रेलवे, डिवीजन लगता है मुंबई और अपनी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है। बहुत स्लो ट्रेन है ये और हॉन्ट भी कर दिया अपने अपनी ट्रेन में। वापस चलते ट्रेन और अब वापी पे पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। अपनी ट्रेन रुकी हुई है खज्जन स्टेशन पे और यहाँ पर अपने लिए ये दो बड़ा पाव जो कि पड़े थी उसको मैं जो कि आई है वडोदरा के वेब 7 के साथ में। तो अपन है सज्जन रेलवे स्टेशन पे और ये रही अपनी ट्रेन जो कि एक घंटे से यहाँ पे खड़ी है और अभी अपनी ट्रेन को ओवरटेक मार रही है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस जो कि इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस है। वडोदरा के वेब 7 के साथ में ये ट्रेन आई है। सफ़र करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है पालगढ़ स्टेशन को PLG और अपनी ट्रेन यहाँ पर आई है 15 मिनट अर्ली और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है भाद्रा श्री माता वैष्णो देवी और अपनी ट्रेन स्टेशन पर रोजाना 7 ट्रेन में हॉल्ट करती है और अपनी ट्रेन जब से अहमदाबाद से निकली है और से अपनी ट्रेन में कोई टीटी आया ही नहीं है। हर स्टेशन पर लोकल पैसेंजर स्टॉप है और क्या कर सकते हैं आप ये इंजन रेलवे को इंजनों के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाईफाई ट्रेन लॉन्च कर देती है पर जो पुरानी ट्रेनें होती है उनके बारे में इंजन रेलवे भूल जाती है तो इंजन रेलवे को ये थोड़ा मैनेज करना चाहिए। Thank you.
एक और सफ़र यही ख़त्म होता है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि उस ट्रेन में आप बिल्कुल जर्नी ना करें, बोर हो जाओगे। तो आज के लोग में बस इतना ही, कभी हार माना मत और आगे बढ़ते रहें। चलो बाय।